दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, बावजूद इसके दिल्ली को बाढ़ की एकदम प्राकृतिक आपदा में झोंक दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, दिल्ली के लिए ये प्रायोजित आपदा है। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने गहरी साजिश रच के दिल्ली को बाढ़ में झोंका है, ये काम किया इन्होंने। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक लगातार सारा का सारा पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया। ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। जब हमने मुद्दा उठाया तो 13 तारीख को वेस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया और 14 तारीख को कल ईस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया। फिर क्या कह रहे हैं ये लोग, कह रहे साहब नहरें कमजोर होती हैं, उसमें पानी नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप बताइए कि जब आपने 9 से 13 तक पानी नहीं छोड़ा तो 13 तारीख तक जब हमने मुद्दा उठाया तो तुरंत वो नहरें मजबूत हो गईं, तुरंत आपने पानी छोड़ दिया। जो नहरें 13 तारीख तक कमजोर थी वो 14 तारीख को मजबूत हो गईं, तुरंत पानी छोड़ दिया आपने। तो सीधे सीधे इन लोगों के खिलाफ ये एक आपराधिक कृत्य है, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए गहनता से। ये तो सुप्रीम कोर्ट डुबाने की फिराक में थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट डुबा देते अगर हम लोग नहीं जागते। क्या ये जिम्मेदारी बीजेपी के 7 सांसदों की नहीं है? उनको ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था कि सारा पानी आप दिल्ली में क्यों छोड़ रहे हैं? उनको बीजेपी के लोगों को वोट नहीं दिया दिल्ली की जनता ने? तो इसलिए राजनीति करो, इतनी घटिया और गंदी राजनीति मत करो। आप सोचिए कि कह रहे हैं साहब सेंट्रल वाटर कमीशन की गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है भाई? ओवर कैपेसिटी पानी ईस्टर्न कैनाल में नहीं जाएगा, ओवर कैपेसिटी पानी वेस्टर्न कैनाल में नहीं जाएगा, ओवर कैपेसिटी पानी चाहे जितना मन हो आप दिल्ली की तरफ भेज दोगे, ऐसा कहीं लिखा है क्या? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच हो और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। केजरीवाल जी की आदत में शामिल है दूसरों पर आरोप लगाना, पानी का तो स्वभाव है ऊपर से नीचे ही जाता है और हथरे कुंड से दिल्ली काफी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। पानी आया है, हम अपने पानी के इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, वो पानी का स्वभाव बदल दें कि पानी नीचे ना आया करे।